आप देख रहे हैं पल पल, जिले भर में किए जाएंगे मिनी जंगल तैयार। जंगल अभियान के तहत हम कर सकते हैं पर्यावरण का संरक्षण और इसी के अंतर्गत लगाए जाएंगे फलदार और छायादार पौधे। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। जी हां, भिवानी जिला के उपायुक्त अजय कुमार ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण कर हम सब नागरिक की जिम्मेदारी निभानी चाहिए और हम सब की ये जिम्मेदारी बनती भी है। शुद्ध हवा के बिना हमारा जीवन असंभव नहीं है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर आंगन तथा आसपास के परिवेश में पौधारोपण अवश्य करना चाहिए। पौधारोपण के साथ उनका संरक्षण भी जरूरी है। उपायुक्त अजय कुमार ने उपयुक्त विचार हनुमान जोहड़ी धाम नरसिंह मंदिर के परिसर में सामाजिक संस्था युवा जागृति जन कल्याण मिशन ट्रस्ट व नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृति सेवा समिति के तत्वाधान में जारी वन महोत्सव पखवाड़े के तहत जंगल अभियान का शुरुआत करके उसके उपरांत व्यक्त करते हुए कहे। आइए देखते हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। को देखते हुए जो गर्मी का इतना बड़ा माहौल है, तो जल और जंगल और जमीन को बचाने की जो हम सब ने एक पुरजोर कोशिश करनी है, तो हमने एक अभियान की शुरुआत की है। पखवाड़ा कार्यक्रम आज से माननीय हमारे उपायुक्त महोदय अजय कुमार जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और हमने भी ये एक लोगों को एक रथ के माध्यम से जानकारी दी है, लोगों को मतलब एक जन जागरण अभियान चला करके समझाया है कि अपनी अपनी जो प्राचीन परंपरा है जंगलों की है, जल को बचाने की है और जमीन को ठीक करने की है, ताकि हम इसका हमें फायदा हो। हम कुछ करेंगे तो हमें फायदा मिलेगा। हमारे उपायुक्त मोदी ने आज आकर के हमें एक प्रोत्साहन दिया है, हमारे आगे हौसला बढ़ाया है, हमारे लोगों में इस प्रकार की एक जो है प्रेरणा दी है कि ताकि लोग सब प्रकृति से पर्यावरण से जुड़ करके पौधा लगाएं और पौधा लगा करके उसका पालन करें, उसका पोषण करें, उसको बड़ा करें, ये सब के लिए ज़रूरी है। सर, जो आज से आपने जंगल अभियान जो शुरू किया है, इसमें क्या उसके उद्देश्य रहेगा, इसका किस प्रकार से अपील जो लोगों से की जा रही है और कितने जो जंगल के जो इसका दायरा बनाया गया है, कितना तैयार हो गया, कहाँ कहाँ इसका कुछ मास्टर प्लान तैयार किया? हाँ, बेसिकली पौधारोपण का जो कार्यक्रम सरकार द्वारा हर वर्ष किया जाता है, उसी के तहत इस बार भी जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं जो विभिन्न स्कीमों के तहत पौधारोपण करते हैं तथा साथ ही जो एनजीओ हैं इस क्षेत्र में एक्टिव हैं, उन सबको बुलाकर एक बैठक की गई एंड इसमें यही तय किया गया कि जितने भी हम पौधे लगाएं उसका प्रॉपर संरक्षण हो और उनके विकास पे प्रॉपर ध्यान दिया जाए, ताकि जो भी इसमें अपने मन से श्रद्धा से एक्टिव लोग हैं वो जुड़ें और पौधों की देखभाल करें। सिमिलरली एट द सेम टाइम ये भी डिसाइड किया गया कि कुछ हमारे शहर के ऐसे क्षेत्र हैं जो बड़े पैचेस हैं लैंड के, वहाँ पे ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाए जाएं और उसको एक मिनी जंगल की तरह कन्वर्ट किया जाए। इसी उपलक्ष्य में आज हनुमान जोड़ी में जो है पौधे लगाए गए और सिमिलरली हम ये हमारे जो सेक्रेटरिएट का एरिया है, इसके अतिरिक्त हमारे कुछ पंचायतें भी इसमें आगे आई हैं, वहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी में हम जो पौधारोपण करेंगे और इसी तरह से जो स्मॉल स्केल पर मिनी जंगल हैं वो क्रिएट करेंगे।